बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला। मुजफ्फरनगर में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। संजीव बालियान के प्रचार के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़। खतौली कोतवाली क्षेत्र के मडगांव में हमला हुआ है। और प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रीति, कब हुआ है हमला और अभी क्या जानकारी उन पर हमले के बाद? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमला है ये लगभग 8:30 बजे के लगभग हुआ है, और ये उस समय हुआ जब संजीव बालियान अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। और चुनाव प्रचार के दौरान जब ये हमला हुआ तो संजीव बालियान भी काफिले में मौजूद थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई है। इस मामले में अभी तक जो SP हैं वहाँ के मुजफ्फरनगर के, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी भी तरफ से कोई भी तहरीर जो है वो अभी संजीव बालियान की तरफ से नहीं दी गई है, और पुलिस इंतजार कर रही है कि तहरीर का, और जैसे ही तहरीर मिलती है उसके बाद FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। कहा यह जा रहा है, पुलिस ने अभी जो बयान दिया है उसमें कहा यह जा रहा है कि गाँव के ही कुछ लोग थे जिन्होंने ये हमला कर दिया, और संजीव बालियान के काफिले पर हमला किया गया जिसके कारण कई गाड़ियों के जो शीशे हैं शीशे टूट गए, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई। लेकिन संजीव बालियान उस समय खुद उस काफिले में मौजूद थे, और कहा यह जा रहा है कि जब संजीव बालियान प्रचार करने के लिए निकले थे तो ये घटना हुई। लगभग 8:30 बजे की घटना है। जी शुक्रिया प्रीति। तो एक बार फिर से आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में प्रचार के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर यह हमला किया गया है। उनकी गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।